क्या कुछ करेंगे, क्योंकि अभी हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारी है, आपने आकलन भी किया होगा कि आखिर क्यों हारे, क्योंकि किसान तो वहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, तो कैसे काम करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस पार्टी का, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने एक छोटे से किसान के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। और क्योंकि मैं खिलाड़ी के साथ साथ किसान का बेटा भी हूँ, और पहले भी हम किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, और अभी जो दायित्व मुझे कांग्रेस पार्टी में मिला है, मैं मजबूती के साथ हमारे जो सीनियर लीडर हैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा और किसान भाइयों की आवाज़ मजबूत करूँगा। तो आप हरियाणा में थे, हरियाणा में क्यों हारे? देखो, ये तो हमारे सीनियर लीडर बताएंगे, जो हमारी कमियाँ थी वो उन पर काम कर रहे हैं कि भाई क्या कमी रहेगी, क्योंकि हार और जीत हम खिलाड़ी हमारे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हार जीत दोनों पहलू होते हैं। तो वो हमारे जो लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, वो उस पर वर्क कर रहे हैं, वो बताएंगे अच्छे तरीके। बजरंग जी, जब आप राजनीति में आ जाते हैं तो हर तरह के आरोप प्रत्यारोप आपको झेलना पड़ता है, और आपने तो आंदोलन लड़ा है, सरकार के खिलाफ भी आप लोगों ने आरोप लगाए हैं। आपके साथ के सहयोगी साक्षी मलिक कह रहे कि राजनीति से प्रेरित लोग राजनीति में शामिल हो गए जो लोग आंदोलन से जुड़े थे, कैसे देखते हैं इस तरह की बातों को, इस तरह के बयानों को आप? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम जो पहले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे थे, हम एक आदमी के खिलाफ कर रहे थे, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ कर रहे थे। और जो साक्षी ने जो बोला है, उसने जो बुक में लिखा है, वो ना तो बुक मैंने पढ़ी है ना आपने पढ़ी होगी, क्योंकि कल ही लॉन्च हुई है, तो उस पर मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन सरकार ने जबरदस्ती एक आदमी को, आरोपी को बचाने के लिए अपने ऊपर लड़ाई ली है, इसलिए वो सरकार की लड़ाई होगी है। साक्षी सहयोगी रहेंगी आपको आने वाले? भी सहयोगी थी, आज भी सहयोगी है और आगे भी सहयोगी रहेगी। जो हमारी कोर्ट में लड़ाई चल रही है वो आज भी जारी है। एक अंतिम सवाल करूंगा संक्षेप में, क्योंकि वहाँ जो ओलंपिक में हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ चला रहे थे कि साजिश हुई है, उस पर भी साक्षी मलिक ने कहा है कि वो साजिश नहीं, वो नियम के खिलाफ। अब आपकी बातचीत विनेश से हुई होगी और आप भी खिलाड़ी रहे हैं, उसमें कोई साजिश दिखता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू भी बना था। देखिए, इस पे आप विनेश से ज़्यादा पूछो, क्योंकि विनेश के साथ वहाँ पे घटा है, वो सारी चीज़ें विनेश को पता है कि भाई वहाँ पे क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि विनेश बेहतर बता पाएगी, ना मैं बता पाऊँगा ना साक्षी बता पाएगी, सबके अपने विचार है, कोई भी कुछ बोल सकता है। क्या कुछ करेंगे, क्योंकि अभी हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारी है, आपने आकलन भी किया होगा कि आखिर क्यों हारे, क्योंकि किसान तो वहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, तो कैसे काम करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस पार्टी का, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी का, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने एक छोटे से किसान के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। और क्योंकि मैं खिलाड़ी के साथ साथ किसान का बेटा भी हूँ, और पहले भी हम किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, और अभी जो दायित्व मुझे कांग्रेस पार्टी में मिला है, मैं मजबूती के साथ हमारे जो सीनियर लीडर हैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा और किसान भाइयों की आवाज़ मजबूत करूंगा। तो आप हरियाणा में थे, हरियाणा में क्यों हारे? देखो, ये तो हमारे सीनियर लीडर बताएंगे, जो हमारी कमियां थी वो उन पर काम कर रहे हैं कि भाई क्या कमी रहेगी, क्योंकि हार और जीत हम खिलाड़ी हमारे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हार जीत दोनों पहलू होते हैं। तो वो हमारे जो लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, वो उस पर वर्क कर रहे हैं, वो बताएंगे अच्छे तरीके। बजरंग जी, जब आप राजनीति में आ जाते हैं तो हर तरह के आरोप प्रत्यारोप आपको झेलना पड़ता है, और आपने तो आंदोलन लड़ा है, सरकार के खिलाफ भी आप लोगों ने आरोप लगाए हैं। आपके साथ के सहयोगी साक्षी मलिक कह रहे कि राजनीति से प्रेरित लोग राजनीति में शामिल हो गए जो लोग आंदोलन से जुड़े थे, कैसे देखते हैं इस तरह की बातों को, इस तरह के बयानों को आप? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम जो पहले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे थे, हम एक आदमी के खिलाफ कर रहे थे, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ कर रहे थे। और जो साक्षी ने जो बोला है, उसने जो बुक में लिखा है, वो ना तो बुक मैंने पढ़ी है ना आपने पढ़ी होगी, क्योंकि कल ही लॉन्च हुई है, तो उस पर मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन सरकार ने जबरदस्ती एक आदमी को, आरोपी को बचाने के लिए अपने ऊपर लड़ाई ली है, इसलिए वो सरकार की लड़ाई होगी है। साक्षी सहयोगी रहेंगी आपको आने वाले? भी सहयोगी थी, आज भी सहयोगी है और आगे भी सहयोगी रहेगी। जो हमारी कोर्ट में लड़ाई चल रही है वो आज भी जारी है। एक अंतिम सवाल करूंगा संक्षेप में, क्योंकि वहाँ जो ओलंपिक में हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ चला रहे थे कि साजिश हुई है, उस पर भी साक्षी मलिक ने कहा है कि वो साजिश नहीं, वो नियम के खिलाफ। अब आपकी बातचीत विनेश से हुई होगी और आप भी खिलाड़ी रहे हैं, उसमें कोई साजिश दिखता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू भी बना था। देखिए, इस पे आप विनेश से ज़्यादा पूछो, क्योंकि विनेश के साथ वहाँ पे घटा है, वो सारी चीज़ें विनेश को पता है कि भाई वहाँ पे क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि विनेश बेहतर बता पाएगी, ना मैं बता पाऊँगा ना साक्षी बता पाएगी, सबके अपने विचार है, कोई भी कुछ बोल सकता है।